क्या मैंने मास्क ठीक से पहना है? क्या यह मुझे कोरोना से बचाएगा? क्या हम खाने से कोरोना वायरस कैच कर सकते हैं? ऐसे समय में हमें कपड़े कैसे धुलने चाहिए? सब्जियों को कैसे धोना चाहिए? आजकल कोरोना के कारण घर के रोज के काम अनसर्टेनिटी और घबराहट का कारण बन गए हैं, क्योंकि हर परिवार अपने घर वालों के हेल्थ और सेफ्टी के लिए परेशान है। आजकल बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, जिससे लोगों का स्ट्रेस और बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोरोना को अपने घर से दूर रखने के लिए कुछ स्टेप्स बताने जा रही हूँ। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे होने ही ना दें। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इंडिया में कोरोना के लिए दो वैक्सीन्स आ चुकी हैं, जो कि पब्लिक के लिए फ्री है, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर परिवार के लोग बाहर से आकर टच करते हैं, इसलिए दोस्तों हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, घर के बाहर जाते वक्त मास्क पहनना कभी भी ना भूले, और जब भी मास्क पहने उसे सही तरीके से पहने। जब भी आप घर के बाहर से घर के अंदर आए तो सबसे पहले अपने जूते घर के बाहर उतार लें। उसके बाद एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरह डिसइन्फेक्ट कर लें। हमेशा मास्क उतारते समय उसे सीधे हाथ ना लगाएं और उसे कानों के पीछे से खोलें। मास्क को उसके तय जगह पर ही रखना चाहिए। बाहर से आने के बाद हमेशा हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोना चाहिए। इससे हाथों के द्वारा कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं होता। कभी भी मास्क को इधर उधर ना रखकर उसे अपनी तय जगह पर ही रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कॉटन का मास्क यूज़ करते हैं तो उसे आपको रेगुलरली साफ करना चाहिए। मास्क साफ करने के लिए मैं हल्के गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट और डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड की कुछ बूंदें डालकर मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने मास्क को इस सॉल्यूशन में आधे घंटे के लिए डालकर छोड़ देती हूँ। बाद में मास्क को सादे पानी से धोकर मैं उन्हें सूखने के लिए डाल देती हूँ। इस कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग खुद जाकर शॉपिंग करने से ज़्यादा सेफ हो गया है। जब भी मेरा ऑनलाइन पार्सल आता है, मैं उसे धूप में एक दो दिन के लिए छोड़ देती हूँ। वैसे तो यह क्लियर नहीं है कि कोरोना वायरस कपड़ों पे कितने देर तक सरवाइव कर सकता है, मगर फिर भी हमें रेगुलरली बेडशीट्स, टॉवल्स और कपड़ों को धोना चाहिए। जब से कोरोना आया है तभी से मैं कपड़ों को हल्के गर्म पानी में डिटर्जेंट और डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ धोती हूँ। इससे कपड़ों के द्वारा वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, ऐसे सरफेस जिसको हम और हमारी फैमिली हमेशा टच करती है, उन्हें हमेशा क्लीन और डिसइन्फेक्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं हल्के गर्म पानी में माइल्ड डिटर्जेंट के साथ डिटॉल की कुछ बूंदें डाल देती हूँ। फिर इसमें कॉटन का एक कपड़ा डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद इस कपड़े से मैं स्विच बोर्ड, दरवाजे के हैंडल्स, नल और ज़्यादा टच होने वाले सरफेसेस को क्लीन करती हूँ। सफाई के बाद इस कॉटन के कपड़े को साबुन और पानी से धोकर मैं धूप में सूखने डाल देती हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को साफ करने के लिए
मैं एक कॉटन के कपड़े में अल्कोहल बेस्ड डिसइन्फेक्टेंट लेकर उन्हें साफ करती हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को गीले कपड़े से साफ करने से इनके खराब होने का डर रहता है। कोरोना के बुरे इफेक्ट से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स को रेगुलरली लेना चाहिए, जैसे कैरेट, कुकुम्बर, टर्मरिक, लेमन, जिंजर, गार्लिक, एग्स, घी और नट्स। दोस्तों, सब्जी साफ करने के लिए मैं गुनगुने पानी में नमक मिला लेती हूँ। फिर इसमें मैं सारी सब्जियों को डुबोकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। बीस मिनट बाद इन सब्जियों को मैं सादे पानी से अच्छी तरह धो लेती हूँ। फ्रिज में सब्जियाँ रखने से पहले मैं उन्हें अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को हमेशा कोई ना कोई एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। मेरे बेटे ने हाल में ही ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन किया है। किसी भी तरह के फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हमारे लंग्स को बहुत मजबूत करता है। कोरोना से बचने के लिए हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को रेगुलरली नेल्स कट करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।